महाराज कबीर साहेब जी भजन के माध्यम से कह रहे हैं कि दूसरे के मन की बात कोई नहीं जानता। इस मन के कारण चोर चोरी करता है और दूसरे के धन का आस लगाए रहता है। इस मन के कारण हिरण शिकारी के बजाए गए धुन को सुनकर हिरण धुन के तरफ दौड़ता रहता है। मन के कारण शिकारी के जाल में हिरण फंस जाता है। महामोह की नींद में मनुष्य पड़ा हुआ है। ऐसे मनुष्य समझता है कि वह बिना भक्ति किए सद्गुरु महाराज जी की भक्ति करनी भक्ति किए भी मनुष्य सोचता है कि वो अमर हो गया है। वो कभी मृत्यु के बारे में नहीं सोचता अपने, और उसे लगता है वह पार हो जाएगा। कोई इसके मनुष्य जीवन के अलावा आगे कुछ नहीं है। समझ की कमी के कारण मनुष्य ऐसा सोचता है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। हो जाएगा भक्त तो जगत को पार करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति में भी बहुत सारे जगत गुरु हैं, वो पार नहीं करवा सकते। वो सब बस ठगने के लिए लोगों को फंसाते रहते हैं। कोई संत जो हैं वही आपको जगत पार संत ही करा सकते हैं। इसलिए किसी सद्गुरु महाराज की सत्संगत करनी पड़ेगी, क्योंकि साहब भी संतों में रहते हैं। और मन के कारण मनुष्य ऐसे काम करता है, इस मन को कोई नहीं जान सकता। बस सद्गुरु महाराज जी ही हैं जो दूसरे के मन की बात जान सकते हैं। भजन है, को जाने बात पराए मन की, पराए मन की रात अंधेरी चोरा डटे आस लगाए पराए धन की, आस लगाए पराए धन की को जाने बात पराए लागा बाण खबर का तन की, लागा बाण खबर का तन की को जाने बात पराए चुनार लेगा सुहागिन तन की, चुनार लेगा सुहागिन तन की को जाने बात पराए मन जाने बात परा।
करा